मानने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार मीठी ईद यानी ईद उल फितर 10 या 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी वजह से बाजारों में ईद की रौनक अचानक से बढ़ गई। वहीं मेवात में भी ग्राहकों से बाजार अटे पड़े हैं। लोग खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। लेकिन कुछ लोग महंगाई की वजह से कम खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह का हुक्म मानकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि खरीदारी तो करनी ही है, चाहे महंगाई कितनी ही क्यों ना हो जाए। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि रमज़ान के महीने में पैसा खर्च करने पर ज़्यादा सवाब मिलता है। ईद की तैयारी को लेकर लोगों ने ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े, जूते, चप्पल के अलावा इत्र की जमकर खरीदारी की है। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की एक खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है जी, गांव कौन सा है? मेरा गांव लाहवास है, रेजिडेंस पिनंगवा, जिला उपाध्यक्ष नू आम आदमी पार्टी, जो कि हमारी पिनंगवा में शॉप है। किस नाम से शॉप है? प्रजापति क्लॉथ हाउस। जैसे कि मैं आपके शॉप पर देख रहा हूँ, भीड़ बहुत कम नजर आ रही है, किस वजह से भीड़ कम नजर आ रही है? इसलिए भीड़ कम है क्योंकि जब से हमारे रोजा चालू हुआ है, जब ही से फसल की कटाई शुरू हो गई थी, इसलिए 50% मतलब ग्राहक हैं और मतलब देखने के लिए मिल रहा है कि दुकान, हमारी दुकान में तमाम वर्कर जो बैठे खाली बैठे हुए हैं। और ये असर है, जो इसीलिए असर है कि गेहूं की कटाई फुल चालू चल रही है। और ईद के कितने दिन रह गए? ईद के दिन आज 28 ओवर हो जाए, कल 29, परसों का 30 है, 11 तारीख को ईद मनेगी। जो पहले की ईद में और आपकी ईद में क्या फर्क है? क्योंकि पहले की ईद में कब से चालू कर दी थी खरीद? पिछली साल कपड़े का काम होता था शुरू, जो पहला रोजा होता था, और 20वें रोजा तक बहुत जबरदस्त भीड़ रहती थी, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। और जब 10 रोजे होते हैं, जूती चप्पल लेडीज चूड़ी है अपना सामान खरीदने के लिए, तो पीठ से पीठ छिल जाती थी। और अब के आप देख सकते हैं, वो मार्केट में कुछ भी भीड़ नहीं है, 20% भीड़ है। अब धंधा पर क्या असर? धंधा पर बहुत असर पड़ा है, 50% काम है। नाम क्या है जी और किस नाम से आपकी शॉप है? मेरा नाम अशोक कुमार है, श्री हरि रेडीमेड गारमेंट्स पिनगवा दुकान। अशोक जी, पहले की दुकानदारी में और आपकी दुकानदारी में क्या अंतर देखते? बहुत अंतर, 50% का अंतर है। एक तो महंगाई, एक जमींदारा, इस वजह से बहुत अंतर है। लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए आए, बाजार भरा हुआ है? बाजार छोटा है इसलिए भरा हुआ है, नहीं भीड़ वो वाली बात नहीं है कि बाजार भरा हुआ है, कोई ईद की वो दिख रही है। महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा हुआ फर्क है। क्या लॉस? नहीं, पर भरा ही नहीं अब की बार सामान, ऐसे पहले भर लें या कुछ कर लें, कुछ नहीं करा अब की बार ऐसे सामान नहीं भरा आपने। आपका नाम क्या, गांव कौन सा है? जी मेरा नाम आमिर खान है। आमिर जी, जो ईद का पर्व नजदीक आ रहा है, ईद की आप शॉपिंग करने के बाजार में आए हो, कैसे यहाँ खरीदारी हो रही है, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? खरीदारी जी, सारे रेट महंगे हुए पड़े हैं फिलहाल तो। अब हमें देख लो, हमें जो 500 की चीज थी वो 700 में मिली है। क्या परेशानी हो रही, क्या रेट में कोई परेशानी नहीं हो रही क्या आपको? नहीं, अब देखो, वो तो लेना पड़ेगा ना, परेशानी हो ना हो, क्योंकि ये तो चल ही रहा है भाई, ईद में तो 2 दिन बचे। जनाब आपका नाम क्या और किस नाम से आपकी शॉप है? मेरा नाम घनश्याम दास है, घनश्याम दास प्रजापति नाम से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। घनश्याम जी, जो ये आपने शॉप खोली हुई है, क्या पहले की और इसमें और आपके इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? फर्क है, पहले से काम कम है। इसकी क्या वजह है? थोड़ी सी कुछ आइटम महंगी है। ये पहले में रॉक में क्या अंतर आ रहा है, रेट में अंतर है या कोई ग्राहकी में? तो ग्राहकी में फर्क है, ग्राहकी कम है पहले से। जैसे बीच में तो कुछ आइटम है महंगी है। अच्छा, बीच में भी होली का त्योहार पड़ा था। हाँ, उससे पहले और तो इस टाइम वो भी चल रहा है, फसल कटाई भी चल रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।